कॉलेज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इवन फंक्शन का यूज एक्सेल में कैसे होता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन फंक्शन का यूज क्या है। दिस फंक्शन राउंड्स द नंबर अप द नियरेस्ट इवन होल नंबर। सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, इज इक्वल टू इवन विद इन ब्रैकेट आप नंबर सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहेगी आपकी। चलते एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमने लिया है और इसमें वैल्यूज लिए कुछ और इसको हमने कन्वर्ट करना है इवनली राउंडेड वैल्यूज में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें इवन फंक्शन की हेल्प लेनी होगी। तो इस फंक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। इज इक्वल टू इवन विद इन ब्रैकेट आप सिलेक्शन करेंगे उस नंबर को जो कि आपने इवन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया हुआ ऑरिजिन वैल्यू, तो मैं 1 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसको एंटर किया तो उसका जो इवनली राउंडेड वैल्यू होगा वो है 2। ऐसे जब भी कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसको भी आप इवनली राउंडेड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इवन की हेल्प से ही आप कन्वर्ट करेंगे विद इन ब्रैकेट। उसके बाद आप सिलेक्शन करेंगे उस नंबर को जो डेसिमल नंबर चाहे सिंपल नंबर है, तो ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे देन एंटर, तो इसको भी वो राउंडेड वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही आगे के शॉर्ट करने हैं आपने फॉर्मूलाज को कंप्लीट करने, तो इसको मैं डायरेक्टली ट्रैक कर रही हूँ। और चलिए इसको और भी इजी तरीके समझने के लिए मैं इसके एक और एग्जांपल की तरफ लेके चलती हूँ। सो दिस एग्जांपल फॉलोइंग टेबल इज यूज्ड बाय अ गैरेज व्हिच रिपेयर्स कार। द गैरेज इज रिपेयरिंग अ फ्लीट ऑफ कार्स फ्रॉम 3 मैन्युफैक्चरर्स। ईच मैन्युफैक्चरर यूजेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ विंडस्क्रीन वाइपर विच आर ओनली सप्लाइड इन पेयर्स। यानी कि जो वाइल पेयर्स हैं वो सप्लाई होती हैं आपकी सिर्फ पेयर्स में। Table 1 was used to enter the number of wipers required for each type of car and then show how many pair needed to be ordered. यानी कि हमने यहाँ पे कुछ cars की varieties ली हुई हैं, उसके बाद हमने wipers to order यानी कि wipers कितने हैं orders में वो मैंने show कर दिए हैं। अब हमने find करने even की help से pairs to orders, जी हाँ कि pairs to order कितने बनेंगे even formula की help से हम इसको solve करके देखते हैं। तो चलिए solve करते हैं इसको। तो इसके लिए हम लेंगे function की help even विद इन ब्रैकेट आप उस वाइपर ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी नंबर्स है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे क्योंकि हमने पेयर्स बनाने हैं इसलिए इसको डिवाइड करना होगा 2 से देन एंटर। तो यानी कि पॉसिबल पेयर जो इसके बनेंगे 3। ऐसे नेक्स्ट जो फोर्थ के हमें 9 ऑर्डर दिए हैं उसका अगर हमने पेयर मैंशन करना है तो इसको भी हम सेम वे से ही अप्लाई करेंगे इवन का फॉर्मूला। अगेन नंबर को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद पेयर शो करने के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। एंटर करेंगे जैसे ही आपको पेयर्स ऑफ ऑर्डर इसके भी मिल जाएंगे। होप सो आपको इवन का जो यूज है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे नोट कीजिए और अप्लाई करके जरूर देखिए। थैंक यू।